हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी जो हथेली है एक पूरी तरह से एक स्क्वायर बना रही है, बिल्कुल शेप है जो इसकी एक स्क्वायरिश शेप मुझे यहाँ पर इनकी हथेली की नज़र आ रही है, जो यहाँ पर शो करती है एक बहुत ही हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और जो फिंगर्स हैं यहाँ पर मिडल साइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है फिंगर्स, जिसकी वजह से थोड़ी सी जल्दबाज नेचर इनकी रह सकती है, डिसीजंस लेने में थोड़े से या हेस्टी रह सकते हैं। और उसके अलावा जो फिंगर्स की गांठें हैं बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, और इस तरह की फिंगर्स होना यानी व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा स्पष्टवादी नेचर का होना, कुछ इस तरह की नेचर रहती है कि यह अपने दिल में कोई बात नहीं रख पाते और जो भी दूसरे को कहना होता है बिल्कुल सीधा उसके मुंह पर कह देते हैं। इस तरह की नेचर होने की वजह से कई बार रिश्ते भी खराब होते हैं और फ्रेंड सर्कल भी व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इसकी वजह से। आपको दिखाना चाहूँगा कौन सी नॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं नॉट्स इनकी फिंगर्स में नज़र आ रही हैं, बाहर की तरफ उभरी हुई नॉट्स हों तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी और मुंह पर बोल देने वाली नेचर रखता है, और इसी वजह से जो फ्रेंड सर्कल है कम हो सकता है या फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बनी रहती व्यक्ति की। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ को, जो इनकी गुरु फिंगर की लेंथ है वो सूर्य फिंगर से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर इनकी जो सूर्य फिंगर है और गुरु फिंगर है उसमें थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन गुरु फिंगर का लंबाई में अच्छा होना और स्ट्रेट होना व्यक्ति को थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी बनाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर इनकी शनि फिंगर की अगर लेंथ देखी जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ में शनि फिंगर, जो इनको काफ़ी हार्ड वर्किंग टाइप का पर्सन शो कर रही हैं, मेहनती इंसान ये रहेंगे और काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ में गुरु फिंगर की वजह से देख पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रहने वाली हैं। और यहाँ पर शनि फिंगर सॉरी इनकी सूर्य फिंगर का भी अच्छी लंबाई में होना क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है, तो फिंगर्स में यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। साइज़ में इवन इनकी मर्करी फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, जो सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके भीतर रहेंगे। और इन्हीं कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अगर यह कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी इनको काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस मिलने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा इनकी फिंगर्स को, फिंगर्स के बीच में जो गैप्स हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो इनकी इंडिपेंडेंट और ज़िद्दी टाइप की पर्सनैलिटी को भी यहाँ पर शो करती हैं। आप देख सकते हैं जो फिंगर्स की सेटिंग में यहाँ पर गैप्स हैं वो व्यक्ति को थोड़ा सा रिबेलियन टाइप की नेचर का बनाते हैं, और थोड़ा सा स्वभाव जो व्यक्ति का रहता है वो ज़िद्दी टाइप का रहता है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति अपने फैसले जो है कभी भी किसी की राय पे नहीं लेते और खुद की मर्जी से ही अपने फैसले लेना इनकी नेचर रहती है। यहाँ तक हमने चेक किया फिंगर्स को, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमें नज़र आता है इनकी बाकी की रेखाओं से और माउंट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आएगी। यह लाइन जो मैंने ड्रॉ की है यह शो करती है कि इनके जो माउंट्स की सेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, कोई भी माउंट यहाँ पर ज़्यादा लो सेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, माउंट्स यहाँ पर अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। इवन मर्करी माउंट थोड़ा सा लो सेट है लेकिन अच्छी स्पेस मर्करी माउंट को यहाँ पर मिल पा रही है। तो चलिए आगे बढ़कर देखते हैं इनके माउंट्स के ऊपर कौन से चिन्ह हैं और क्या क्या इनकी लाइन्स इनके बारे में इंडिकेट करती हैं। तो सबसे पहले तो बृहस्पति माउंट को ही देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बृहस्पति माउंट का जो ट्राई डल है जिसको हम अपेक्स कहते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सेंटर के आसपास बनता हुआ कुछ इस एरिया में इस तरह से तीनों तरफ से आने वाली बारीक जो लाइनें हैं जिनको हम इनकी लाइंस फिंगरप्रिंट वाली लाइंस बारीक लाइंस हैं जो बारीक नज़र आती हैं उनसे बनने वाला जो अपेक्स है एक सेंटर पॉइंट है
वो बिल्कुल यहाँ पर इस गुरु माउंट के सेंटर में बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो यहाँ पर शो करता है कि काफ़ी अच्छी नॉलेज ये गेन कर पाएंगे और गुरु की तरफ से, टीचर्स की तरफ से भी इनको अच्छी सपोर्ट रहने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा लाइन ऑफ सिंपथी यहाँ पर दिखाई दे रही है, प्रोग्रेस की लाइंस भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ उठने वाली लाइंस यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस हैं, जो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस व्यक्ति को दिलवाती हैं, और कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की तरफ इशारा करती हैं, और काफ़ी अच्छी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर, सिंपथेटिक टाइप की नेचर भी व्यक्ति की रहती है। तो ओवरऑल गुरु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देने वाले नज़र आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं शनि माउंट की तरफ। तो शनि माउंट जो यहाँ पर है बहुत ही एक तरह से फ्लैट में नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ अभी नहीं है, और बहुत ही अच्छी पोजीशन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है जो इनके शनि और सूर्य माउंट के बीच में बनने वाला लूप ऑफ सीरियसनेस, आप देख सकते हैं इस तरह की घुमावदार रेखाओं से बनने वाला लूप यहाँ पर काफ़ी क्लियर और काफ़ी बड़े साइज में बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो काफ़ी प्रोमिनेंट है। वैसे तो दोनों लूप इनके हाथ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाना चाहूँगा। सर्कल मैं कर रहा हूँ एरिया, यहाँ पर जो बन रहा है लूप ऑफ सीरियसनेस, और यहाँ पर जो बन रहा है लूप ऑफ ह्यूमर। अब यह बात कई बार कॉन्ट्राडिक्ट्री हो जाती है कि व्यक्ति की जो नेचर है वो कैसी रहेगी, क्योंकि दोनों ही लूप हैं। एक लूप बात करता है ह्यूमर की, यानी कि हसमुख स्वभाव की, और दूसरा लूप बात करता है सीरियसनेस की। तो यहाँ पर यह देखना ज़रूरी होता है कि कौन सा लूप ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पर सैटर्न का लूप है जो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रहा है, तो थोड़ा गंभीर स्वभाव रहने की यहाँ पर एक तरह से ज़्यादा संभावना है। और जो लूप ऑफ ह्यूमर है यह भी एक्टिवेट रहेगा, और यहाँ पर एट टाइम्स यह काफ़ी ज़्यादा हसमुख रहेंगे, और बीच में ज़्यादातर समय यह सीरियस नेचर के रहेंगे। जिनके भी हाथ में लूप ऑफ सीरियसनेस बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने करियर के प्रति काफ़ी गंभीर होते हैं, और इस लूप की वजह से काफ़ी तरक्की भी उनको मिलती है। तो यहाँ पर शनि और सूर्य माउंट जो हैं बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छी रिजल्ट्स इनको इनकी तरफ से मिलने वाले हैं। और अगर बात की जाए इनके मर्करी माउंट की, तो मर्करी माउंट भी मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। मर्करी फिंगर की लेंथ यहाँ पर काफ़ी हाई है, काफ़ी अच्छी लेंथ में मर्करी फिंगर, तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से काफ़ी प्रोग्रेस लाइफ में इनके रहने वाली है। आगे देख सकते हैं मेजर लाइंस को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हार्ट की लाइन थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ अगर देखा जाए तो यह ऊपर तक गुरु माउंट तक पहुँचती हुई। अगर हम मेन लाइन को ही देखें तो थोड़ी सी भौतिकवादी इनकी अप्रोच रह सकती है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच रहेगी यहाँ तक, लेकिन एक और लाइन इसको कवर अप कर रही है। अगर यह दूसरी लाइन ऊपर वाली ना होती तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते, और ये दूसरी लाइन होने की वजह से इनका जो नेचर रहेगी, इनका जो स्वभाव रहेगा, केयरिंग टाइप का भी रहेगा, काफ़ी केयरिंग नेचर रहने वाली है, और मटेरियलिस्टिक नेचर का प्रभाव इनके ऊपर ज़्यादा रहेगा। काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशंस यहाँ नहीं रहेंगे, बैलेंस्ड इमोशंस इनके अंदर रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इनको इस तरह की चिंताएं नहीं रहेंगी, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा नहीं रहता इस तरह की लाइंस होने की वजह से। तो एक अच्छी हार्ट की रेखा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, और काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप की नेचर, और कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट की लाइन में नज़र नहीं आ रही, जो एक बहुत ही अच्छा चिन्ह है। उसके बाद देख सकते हैं माइंड की लाइन, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा माइंड की लाइन का बिल्कुल सीधा चलना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड की लाइन जो है काफ़ी स्ट्रेट है, और काफ़ी प्रैक्टिकल नेचर की यह पुष्टि कर रही है। जिस तरह से हमने इनकी हार्ट की लाइन को देखा, वैसे ही यहाँ पर माइंड की लाइन भी काफ़ी सीधी चलती हुई, जो यहाँ पर एक अच्छा चिन्ह है। इसको हम धन योग भी कह देते हैं, कि माइंड की लाइन का अगर बहुत ज़्यादा झुकाव नीचे की तरफ हो जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल और एक तरह से ओवरथिंकर बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही लाइंस काफ़ी पॉजिटिव हैं, अच्छे रिजल्ट देने वाली हैं, इवन कुछ स्ट्रेस के चांसेस भी हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इनको नहीं रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 25 और 26 की एज में, उसके बाद हल्की छोटी लाइंस हैं स्ट्रेस की, जो इनको थोड़े स्ट्रेस दे सकती हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। आगे आप देख सकते हैं इनकी फेट लाइन को, फेट लाइन यहाँ पर कुछ इस तरह से चलती हुई, जो 36 की एज तक इनको काफ़ी कंफर्ट्स देती नज़र आ रही है। तो 36 की एज तक इनको ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पर करते हुए नहीं देख पा रहा हूँ।
उसके आगे स्ट्रगल बढ़ जाएगी लेकिन प्रोग्रेस भी उतनी ज़्यादा ही रहेगी। काफ़ी अच्छी फेट की लाइन है जो फैमिली की सपोर्ट को शो कर रही है और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी इनकी मैं देख पा रहा हूँ। काफ़ी 36 की एज के बाद इनकी लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल बढ़ने वाली है और स्ट्रगल के साथ साथ प्रोग्रेस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। फिश का चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ केतु एरिया के ऊपर, जो एक बहुत अच्छा शुभ चिन्ह माना जाता है। अचानक धन लाभ के योग बनते हैं जिनके हाथ में कुछ इस तरह का चिन्ह बनता है और विदेश यात्राएं रहती हैं लाइफ में। बेशक परमानेंट सेटलमेंट किसी फॉरेन कंट्री में चाहे ना भी हो पाए लेकिन काफ़ी सारी ट्रैवलिंग फॉरेन ट्रैवलिंग्स यहां पर रहते हुए दिखाई दे रही हैं। इस तरह का चिन्ह होना काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है। वीनस यहां पर काफ़ी प्रोमिनेंट है जो आप देख सकते हैं। वीनस का प्रोमिनेंट होना यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको एडिक्शंस में भी डाल सकता है। यहाँ पर वीनस ओवर एडिक्टेड पर्सनैलिटी के रूप में यहाँ पर इनको दर्शा रहा है। हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी और उन सुख सुविधाओं के ये आदि भी हो सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से उभरा हुआ वीनस माउंट मैं देख पा रहा हूँ। लाइफ लाइन की बात की जाए तो यहाँ पर लाइफ लाइन जो है 70+ के आसपास की एज शो करती है। बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है लाइन लेकिन ये लाइन समय समय पर चेंज होती रहती हैं। कुछ इस साइज़ की लाइन जो अप्रॉक्सीमेट 70 और 70+ की एज को यहाँ पर शो कर रही है लेकिन काफ़ी अच्छी लाइन है जो एक हेल्थी लाइफ रहेगी। माइनर प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड रह सकती हैं बीच में जहाँ जहाँ स्ट्रेस लाइन्स काट रही हैं लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और उसके अलावा मून एरिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा है इनका। मून एरिया के ऊपर मुझे कोई भी नेगेटिव मार्किंग्स नज़र नहीं आ रही। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।